जय माता दी। आप लोग बोल रहा था कि ना भाट कैसा होता है, क्योंकि हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है इसी का भाट बोला जाता है। ठीक है, देख लीजिए, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको दातुअन भी होता है, ठीक है। क्योंकि एक साधक बोला था कि गुरु जी इनके बारे में थोड़ा मुझे बात बता दीजिए, जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो नहीं तो मेरे पास बैठा दीजिए। ठीक है, तो भाट इन्हीं का होता है। ठीक है, इनका जो दातुअन होता है बहुत अच्छा होता है पायरिया के लिए। ठीक है, या जिस मान के छोड़ दांत में दर्द होता है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, इधर से काट कर, ठीक है, ताना है, ठीक है, उखाड़ा तो मैं टूट गया, तो इसको क्या किया जाता है, इधर से काट कर फिर इसको दातुअन ठीक करके फिर धोएंगे, 10 दिन 15 दिन तक धो लेंगे, तो दांत में जैसा भी दर्द होता है, पायरिया का हो या मसूड़ों का दर्द है, ठीक है, एकदम हमेशा के लिए क्या होता है, क्यों क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो भाट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। देख लीजिए, इसका पत्ता होता है एकदम पान के पत्ता आकार उन्हीं का है। ठीक है, यही बात होता है, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा देखने का। ठीक है, देखिए इनका पौधा हमारे इधर बहुत सारा ऐसा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे इधर मिलेगा, आप लोग का कोई उधर मिलता है कि नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी मेरा फिरिया साधक जब होंगे ना, तो वो लोग का क्या होता है कि ये पता रहता है। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आ गया मेरा जो फुलवारी है, ये आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारे इधर बाड़ी आया ना, उसी के कारण उसी में मैं भी देखने आया था, थोड़ा खेत की तरफ मिल गया, तो मैं बोला कि चलो बना देते हैं एक वीडियो। ठीक है, देख लीजिए, ये बाढ़ ही आया है, नदी में पानी एकदम सहा, एकदम फूल है। ठीक है,